हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का SS टेक्निकल में स्वागत है। मैं आज का टॉपिक बता रहा हूँ लेमिनेशन मशीन के बारे में, जो इसमें आने वाले प्रॉब्लम, जो हीटिंग के प्रॉब्लम होते हैं, जो लेमिनेशन मशीन को हीट करते हैं, जिससे अपना आइडेंटिटी कार्ड या आधार कार्ड या अन्य कोई डॉक्यूमेंट जल जाते हैं, तो उस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा ले, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं वही आपको बताऊंगा दोस्तों। और एक बात जान लीजिए दोस्तों, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मेरी मेहनत का मुझे कुछ तरी फल मिलना चाहिए जो आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मिलता है। तो मेरे से जुड़े रहेंगे तो आपको और कुछ ना कुछ फायदा होगा, आपसे 100% होगा आपको फायदा, क्योंकि मैं नए नए ट्रिक और कुछ ना कुछ नए ट्रिक बताते रहूंगा आपको। हर बार हर नए वीडियो में हर कुछ ना कुछ एक नई ट्रिक दूंगा जिससे आपका फायदा हो। अगर नहीं भी होता है तो आने वाले वीडियो में 100% आपका फायदा होगा ही, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे ट्रिक दूंगा जो आपको, हर किसी को लगने वाले ट्रिक दूंगा। तो लीजिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये वो लेमिनेशन मशीन है जिसमें इस तरह का फॉल्ट चालू है जो मैं आपको बताया। इसके अंदर यही फॉल्ट है कि ज़्यादा गर्म हो जाता है और मेरे डॉक्यूमेंट काफ़ी जला चुका है। इसके अंदर इसी तरह के फॉल्ट हैं जो शुरुआत में मैंने मशीन खरीदी तब ऐसा कुछ फॉल्ट नहीं था, तब ऑटोमेटिक था। जैसे ही ज़्यादा हीट हो जाता था तो ऑटोमेटिक लाइट ये ग्रीन ऑन हो जाता था और ये हीटिंग बंद हो जाती थी, जिस ताकि मेरे लेमिनेशन, मेरे कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जलते नहीं थे। तो अभी वो प्रॉब्लम मेरा नहीं, अभी बढ़ गया है मेरा प्रॉब्लम। अब ये नहीं हो रहा, ये शो नहीं करता, बहुत लेट करता है, जिस ज़्यादा हीट होने के बाद करता है। तब तक तो मेरे सभी डॉक्यूमेंट बहुत जल चुके हैं इस कारण से, तो मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो मैं खुद आपको बता रहा हूँ उस परेशानी से मैंने छुटकारा किस तरह से लिया, तो वो आपको मैं करके दिखाना चाहता हूँ। तो पहले आप दोस्तों, मैं आपके सामने इसे ऑन करूँगा। अभी ऑफ है, अब इसे ऑन कर रहा हूँ। ये ऑन किया, अब ये हीट जो हॉट लिखा है ये ऑन कर दिया मैंने। अभी इसका ग्रीन चालू होने में देखो कितना समय लगता है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड लेना चाहिए हीट इस पे रखने के बाद, हीट चालू होने के लिए, ग्रीन लगने के लिए। अभी ताक काफ़ी गर्म हो जाएगा ये, तो 30 सेकेंड में हो जाना चाहिए इसका लाइट। तो मेरा तो नहीं होता है, मुझे काफ़ी समय लगता है मेरे अंदर, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम एक्चुअली है इसके अंदर। तो मैं वही आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि इसे क्या करना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं बात करते करते आपको बता रहा हूँ कि कितना सेकेंड हो चुका है। 30 सेकेंड से ऊपर हो चुका है तो भी ग्रीन लाइट नहीं लगा, अभी तक नहीं लगा है। और ये काफ़ी गर्म हो चुका है, ये काफ़ी गर्म हो चुका है। तो मैं वही बताना चाहता हूँ, अभी 40 सेकंड के ऊपर हो चुका है और अभी तक भी ग्रीन लाइट नहीं लगा है। तो ऐसे वक्त में क्या होता है, जो कोई भी डॉक्यूमेंट हो वो पूरे जला देता है, ऐसे समय में अपने पूरे डॉक्यूमेंट ख़राब कर देता है। देखो दोस्तों, अभी तक भी ग्रीन लाइट नहीं लगा है, करीबन 1 मिनट के ऊपर हो चुका है, अभी तक ग्रीन लाइट नहीं लगा है। तो ये मेरे खराबी होने के कारण मेरा दो दो मिनट, एक एक मिनट ग्रीन लाइट लगता ही नहीं है। तो आज मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। और एक बात ध्यान में रखिए, पूरा वीडियो देखिए, अधूरा वीडियो मत देखिए, ताकि आपको पूरा वीडियो देखने पे ही मालूम पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। आप थोड़ा सा देखते हो और कट कर देते हो, तो जिस ताकि आपको मालूम नहीं पड़ता है कि भाई क्या है इसका सॉल्यूशन, क्या था क्या नहीं। तो पूरा एंड तक वीडियो देखिए। अभी देखिए दोस्तों, 2 मिनट हो चुका है, अभी तक ग्रीन लाइट नहीं लगा है और काफ़ी गर्म हो चुका है लेमिनेशन मशीन। मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी गर्म हो चुका है, हीट बहुत हो चुका है, इसके ऊपर हाथ भी नहीं रख सकती, इतना हीट हो चुका है। और ये देखो पूरा ये अंदर ले रहा है, अब ये मेरा पूरा खराब हो जाएगा। देखो देख सकते हो, इसमें से धुआं भी निकल रहा है,
इसके अंदर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, पर इसमें ये देखो निकाला नहीं, अभी तक लेमिनेशन बाहर नहीं निकला, सब अंदर चले गया। क्यों चले गया? क्योंकि ये अभी तक ग्रीन नहीं हुआ, उसके कारण पूरा जल चुका है अंदर, और आपको खोल के भी बताऊंगा जल चुका है पूरा का पूरा। तो ऐसा ही प्रॉब्लम होता है हर बार ऐसे आइडेंटिटी करते समय, पूरा जल जाते हैं, तो यही प्रॉब्लम होते हैं। तो ये इससे छुटकारा कैसे ले, वही मैं आज के वीडियो में बताऊंगा पूरा। देखो अभी तक भी ग्रीन नहीं हुआ, लगभग मेरे ख्याल से 2-3 मिनट हो चुके हैं, अभी तक ग्रीन नहीं हुआ, और काफ़ी गर्म हो चुकी है मशीन, तो इस तरह से काफ़ी लोगों को परेशानी है इस तरीके की। तो मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगा इसमें जला हुआ। तो दोस्तों बने रहे वीडियो पे, पहले इसको बंद कर दे, पहले इसे बंद कर दे और इसके साइड के नट बोल्ट खोल दीजिए, और पूरी सावधानी से इसका प्लग में से लाइन में से निकाल दीजिए, और बाद में निकालिए। और ये काफ़ी हीट है तो इसे ठंडा होने दीजिए पहले, क्योंकि काफ़ी गर्म हो चुका है, तो इसे ठंडा होने दीजिए। अभी मैं निकाल रहा हूँ ये, और संभाल के निकालिए, काफ़ी गर्म है, इसको ठंडा होने दीजिए। मैं अगर ठंडे होने दूंगा तो इसका वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा हीट में ही निकाल रहा हूँ, पर पूरी सावधानी से निकालिए। अगर देखो, और इसको थोड़ा सा ज़्यादा मत खींचिए, क्योंकि आपको मैं वीडियो पूरा लाइव दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं हीट में ही निकाल रहा हूँ। काफ़ी गर्म हो चुका है ये, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जो मैंने अभी लेमिनेशन करने के लिए जो डाला था, वो पूरा इसके अंदर चिपक चुका है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये पूरी तरह से चिपक गया। तो यही सब प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो मैं वही आपको बताना। देखो ये पूरी तरह से चिपक चुका है, अभी इतने गर्म में तो मैं हाथ भी नहीं लगा सकता, इसे निकाल भी नहीं सकता, तो इसे थोड़ा ठंडा होने देना पड़ेगा मुझे। और तो अभी इसमें आने वाले फॉल्ट क्या है दोस्तों, इसमें किससे ये ऐसा होता है, क्यों अपने जल जाते हैं बार बार, और ज़्यादा हीट पे तो हर कोई चीज़ जल जाएगी, कोई भी चीज़ डालोगे तो वो जल जाएगी, पर इसका जो ऑटोमेटिक मोड है वो बंद हो चुका है। वो क्यों बंद हो चुका है, किस कारण से, वही मैं आज के वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो वीडियो पे पूरा बने रहें, मैं आपको पूरा बताऊँगा। अभी ये थोड़ा ठंडा होने दूँगा, क्योंकि इसमें हाथ में नहीं लगा सकता। ये अभी आपके सामने निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। देखो इस तरह से जल जाता है पूरा का पूरा, ऐसा कोई भी आइडेंटिटी कार्ड इस तरह से अपने जल जाते हैं इस तरह से। ये आइडेंटिटी कार्ड है, इस तरह के आइडेंटिटी कार्ड, इसके ऊपर जो मैंने ब्लैक लगाया है वो किसी की डिटेल नहीं दे सकता, मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता, ये पर्सनल डिटेल है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। इसके ऊपर टेप पट्टी लगा चुका हूँ, ताकि इसकी इंफॉर्मेशन ना रहे, खाली आपको बताना चाहता हूँ। इस तरह का आइडेंटिटी कार्ड रहता है, जो आधार कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड या जो भी जितने भी आइडेंटिटी कार्ड रहते हैं, मतदान आधार कार्ड जो भी जितने आइडेंटिटी कार्ड, वो इस तरह से जल जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे ना जले उसके लिए ही मैं आज का वीडियो इतना बना रहा हूँ, और थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको छोटा सा छोटा वीडियो बना के आपको बताऊँ। तो इसको अब क्या करना है वही बताना चाहता हूँ। हाँ, इसको क्या करना है, ये वाले जो सेंसर होता है, ये जो ये वाला हर किसी मशीन में रहता है, हीट जो लेमिनेशन मशीन है ये वाले, तो इसे आप पहले निकाल लीजिए। अभी भी गर्म ही है, अभी भी उतना ठंडा नहीं हुआ है, पर मुझे आपको बताना है इसलिए मैं ये वाला देख सकते हैं आप, ये वाला तो ये खराब होने के कारण, आपका जो हीट का जो ज़्यादा हीट होने का कारण यही है, ये खराब होने के कारण आपका ज़्यादा हीट होता है और सब डॉक्यूमेंट जला देता है, जो भी डॉक्यूमेंट हो आपके वो जल जाते हैं। तो इसे आप बदल देंगे तो बाज़ार में आपको इस तरह का आपको मिल जाएगा, बाज़ार में इस तरह का आपको बाज़ार में मिल जाएगा। तो ये इसे चेंज कर दीजिए इसके अंदर,
और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं अभी करके कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें और इस केबल को आसानी से निकाल लीजिए, क्योंकि कोई केबल टूटे ना आपके इस काम करते समय। इसको साइड में इस तरह रख दीजिए और इसे आराम से लगाइए। तो अब मैं आपको इससे करके दिखाऊंगा और इसे आप निकालिए। अब मैंने इस तरह से इसे बदल डाला है और आप भी इसे इस तरह से बदल डालिए। और इसे बदलने के बाद इसे इसी जगह पर, जिस जगह पर था उस पोजीशन में आप फिट कर दीजिए। और संभाल के कीजिए काम, ये करते समय संभाल के कीजिए, पूरे सावधानी से कीजिए। और एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, आपको थोड़ा फार नॉलेज हो तो ही कीजिए। थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा तो इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि कैसा होता है, अगर नॉलेज नहीं है और आप करते हैं लाइन, ये बिजली का काम है, अगर कम ज़्यादा हो गया तो थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो आप इस तरह से इसे लगा दीजिए। अब जैसे आपने केबल निकाली, इसी तरह से इसे वही पोजिशन में आपको मैं दिखा देता हूँ, इसी पोजिशन में केबल लगाए, ये जैसे निकाले थे उसी पोजीशन में आप केबल लगाएं। लगाते समय पूरी सावधानी से लगाएं ताकि गलत वायर ना हो सके। तो ये लगाएं, इसी सावधानी से लगाएं और ये लगा चुका हूँ, पूरी देख सकते हैं आप, इसे लगा चुका हूँ। अब मैं आपके सामने ये चालू करके दिखाऊंगा आपको। तो ये इसे अब ऐसे फिट कीजिए, पूरी सावधानी से फिट कीजिए ताकि प्रॉब्लम ना आए। और इसके नट बोल्ट इस दर लगाएं, इस तरह से नट लगाएं। अब ये पूरी तरह से मैंने फिट कर चुका हूँ लेमिनेशन मशीन को। आपके सामने ये पूरा डेमो करके दिखाऊंगा कि, और ये करने के लिए रेडी है। अब मैं इसको आपके सामने ऑन भी करूँगा। ये देखो दोस्तों, अब ऑन कर चुका हूँ और ये हॉट बटन भी ऑन कर चुका हूँ। और अब आपके सामने इसे वो भी बताऊंगा कि कितनी देर में ये ग्रीन लाइट चालू होता है, वो भी आपको बताऊंगा ग्रीन लाइट कितनी देर में ऑन हो जाता है। तो आपके सामने ये पूरा डेमो दिखाऊंगा। आपको नहीं लगना चाहिए कि भाई नहीं कट करके वीडियो बताया, इसलिए मैं आपको पूरा बिना कट, ये देखो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड के अंदर ये लाइट लग चुका है। ये ऑटोमेटिक मोड पे है, अगर ये लाइट लगता है तो ही आपका लेमिनेशन या कुछ जलेगा नहीं। हाँ, आप अगर फुल कर देंगे तो लेमिनेशन जलना ही है। तो इतना तो ना रखे, मीडियम 100 पे या 1 से 10 पे रखे ताकि आपका लेमिनेशन जले नहीं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, शुरुआत में इतना ही था मेरा, तो भी ये ग्रीन लाइट लगता नहीं था पहले शुरुआत में। मैंने वो सेंसर बदलने के बाद ही ये ग्रीन लाइट लगना चालू हो चुका है। पहले 4 मिनट लगे थे, अभी 25 से 30 सेकंड में ग्रीन लाइट लग चुका है। और अब मेरा ये लेमिनेशन आपके सामने डेमो करके दिखाऊंगा आपको, और ये आपके सामने अभी दिखाऊंगा कि लेमिनेशन मैंने डाला हुआ अभी आपके सामने जा रहा है। तो देखो, अब ठंडा होने के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और जैसे ही हिट, देखो इस तरह यहाँ से निकल चुका है मेरा लेमिनेशन बिना जलते हुए। देख सकते हैं आप कितने अच्छी तरीके से लेमिनेशन हो चुका है बिना जलते हुए, देखिए। और ये पहले वाला पूरा जला हुआ, शुरुआत में जो आपको पहले बताया, पूरा जला हुआ लेमिनेशन, काफ़ी नुकसान कर चुका है। तो ऐसे ही मेरे बहुत नुकसान हो चुके हैं। तो मैंने इस ट्रिक को आजमाया, मुझे सक्सेस हो चुका इस ट्रिक में। तो मैं इसलिए मैं इसका वीडियो बनाया और आपको दिखा रहा हूँ कि ताकि आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो इससे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको बताया वो। तो इसे देखिए, जैसे ये ठंडा हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये, और जैसे ज़्यादा गर्म हो जाएगा
तो ये ग्रीन हो जाएगा, और जैसे ही ठंडा होता है तो ये फिर से ग्रीन ऑफ हो जाएगा और हीट होना चालू हो जाएगा। तो अभी इसे मीडियम पे है, तो इस तरह से आप घर पे भी कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।